please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूयॉर्क कंपनी। और आज हमारे साथ दो कंपनियां मौजूद रहेंगी, दो कंपनियों की मैनेजमेंट हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगी। हमारे साथ यूएफओ मूवीज़ और डीएलएफ होंगे। डीएलएफ के ईडी सौरभ चावला हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही यूएफओ मूवीज़ के ज्वाइंट एमडी कपिल अग्रवाल से भी हम बातचीत करेंगे शो के दौरान। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी। एक बार बाजार का हाल देख लेते हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुका है और अब ऊपरी स्तरों पर ही होल्ड कर रहा है। 10,160 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। सेंसेक्स भी रिकवर हुआ है। ये रिकवरी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखी है, लेकिन जहां रिकवरी नहीं आई है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान में सुबह से ही बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर आप सरकारी बैंकिंग शेयरों को देखेंगे तो वहां अभी थोड़ी देर पहले यानी 15-20 मिनट पहले ही निचले स्तरों से अच्छी बाइंग आती हुई दिखी। और आप देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.5% ऊपर आ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी जो मिड कैप सरकारी बैंक है वहां पर अच्छा मूव थोड़ी देर पहले आता हुआ दिखा है। और इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी है, 6 तारीख को आउटकम आ जाएगा कि क्या डिसीजन मॉनिटरी कमेटी लेती है। लेकिन उससे ठीक पहले पूरा ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस स्पेशली बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। तो नज़र रहेगी इन स्टॉक्स पर जहां पर अभी भी एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखा है। लेकिन आज कई सारे ऐसे स्पेसिफिक शेयर्स भी हैं जो कि काफ़ी फोकस में हैं, फिर चाहे वो इन्फोसिस हो, बायोकॉन हो या फिर डीएलएफ क्यों ना हो। डीएलएफ की बात हुई है तो इस पर ही हम बात करेंगे आज इस शो में, क्योंकि अपने कर्ज को कम करने के लिए कंपनी लगातार फोकस कर रही है और इसके लिए क्यूआईपी और कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान को बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। और कंपनी क्यूआईपी के जरिए 3,500 करोड़ जुटाएगी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ डीएलएफ के ईडी सौरभ चावला मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और शो में शामिल करते हैं। मिस्टर चावला, गुड आफ्टरनून। सर, बड़ा डिसीजन है और बोर्ड ने फैसला लिया है, रकम जुटाने को अप्रूवल दे दिया है। अब ये बताइए कि एग्जैक्टली यहाँ से कंपनी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और जो रकम अब आपने जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दिया है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, एग्जैक्टली पर्पस क्या है इस पूरी स्ट्रेटजी के पीछे? आपको पता होगा कि हम ट्रांजैक्शन रन कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, जिसमें प्रमोटर्स अपना जो 40% इक्विटी इंटरेस्ट है, एक डीएलएफ की सब्सिडरी कंपनी है टीसीसीडीएल, उसके अंदर वो जीआईसी सिंगापुर को बेच रहे थे। तो वही पैसा जो वो उस ट्रांजैक्शन में प्रमोटर्स को जो मिलेगा वो पैसा वो, और उसके अलावा थोड़ा सा और 800 करोड़ के करीब और पैसा प्रमोटर्स जो डीएलएफ के हैं वो डीएलएफ के अंदर अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सीसीडी और वारंट्स के फॉर्म पे पैसा वो डालेंगे। तो कल की जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें बोर्ड ने ये अप्रूव किया है और अब ये शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो शेयर होल्डर मीटिंग 27 दिसंबर को कॉल करेंगे उसके अंदर इसको इसके अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। जी, तो मिस्टर चावला, अब जैसे कि आपने बताया कि जो प्रमोटर्स हैं वो डीएलएफ में पैसा डाल रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि जब पैसा कंपनी में आएगा तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? ये हमें सबको मालूम है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करना चाह रही है, तो क्या इस रकम को डेट रिड्यूस करने के लिए किया जाएगा या फिर और प्रोजेक्ट्स लाने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए भी हो सकता है? और साथ ही प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़कर अब इस डील के बाद कितना पहुँच जाएगा? सो इसका इस्तेमाल तो प्राइमरीली डेट रिडक्शन के लिए जाएगा। जो डीसीसीडीएल एंटिटी के बाहर जो भी डेट है, जो डेवलपमेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम उस डेट को हम रिड्यूस करेंगे। इसी पर्पज़ के लिए ये पैसा कंपनी के अंदर लेके आया जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी हम कन्वर्टेबल जो अलॉट कर रहे हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे वो है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर और वारंट्स। तो स्टेक जो है प्रमोटर का अभी नहीं जाएगा, जब वो कन्वर्ट करेंगे तभी स्टेक उससे ऊपर जाता है। उससे पहले कंपनी एक क्यूआईपी करेगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को, ताकि जब ये कन्वर्जन हो तो 75% का जो थ्रेशोल्ड सेबी ने सेटअप किया हुआ है वो ब्रीच ना हो। मिस्टर चावला, जैसे कि आपने बताया कि रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने पर किया जाएगा, तो एग्जैक्टली ये बताइए कि अभी कंपनी पर कितना कर्ज है और जो रकम अब कंपनी में आएगी प्रमोटर के जरिए
उसके बाद रिड्यूस होके कर्ज किस लेवल पर पहुंच जाएगा? तो अभी कंपनी के अंदर कंसोलिडेटेड जो डेट है वो अबाउट 28,000 करोड़ है, जो 30 सितंबर के रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर अगर आप देखें तो नेट डेट जो है वो 28,000 करोड़ के करीब है। अगले एक साल के अंदर कंपनी के अंदर अबाउट 14,000 से 15,000 करोड़ रुपया आएगा, 11,500 करोड़ प्रमोटर्स डालेंगे और बाकी QIP से आएगा। सो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के करीब कंपनी के अंदर आएगा और वो जो डेट है वो रिड्यूस होगा, जो आज के दिन 28,000 करोड़ का है। ठीक है, साथ ही अब जैसे कि आपने बताया कि 3,500 करोड़ की जो राशि है वो QIP के जरिए रेस की जाएगी। अब डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि QIP आएगा कब? QIP का काम प्रिपेयर करने का काम हम जनवरी में शुरू करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि फोर्थ क्वार्टर में हम QIP कर लें, बट टाइमिंग मार्केट्स ही डिटरमिन करती हैं। हमारी तैयारी फरवरी तक हो जाएगी, फिर देखेंगे कि मार्केट्स में अच्छा टाइमिंग है तो तब हम QIP कर लेंगे। ठीक है, तो फेब के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि DLF का QIP आए। लेकिन सर DLF के क्योंकि जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली NCR में ज़्यादा हैं और रियल एस्टेट सेक्टर की जो हालत है स्पेशली दिल्ली NCR में, उसके लिए अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। इन्वेंट्री ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, तो अभी क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है और कब तक सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं? तो पहली चीज़ मैं ज़रा इस पर आपको बताना चाहूँगा कि जो ओवरहैंग है इन्वेंट्री का वो अनकम्प्लीटेड इन्वेंट्री का ओवरहैंग है। जो डेवलपर्स आज के दिन जिनके पास पैसा नहीं बचा है अपनी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का और कस्टमर्स का पैसा वहाँ पे फंस गया है, उसका ओवरहैंग है। जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं या कंप्लीटेड इन्वेंट्री है वहाँ पे अभी चाहे सेल्स थोड़ी धीमी है बट आगे चल के आप देखेंगे कि वो सेल्स पिकअप करेगी, क्योंकि कस्टमर आज के दिन जो है वो प्रेफर करता है कि वो किसी डेवलपर पे रिस्क ना ले और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट जो सामने अभी एक दो महीने या छः महीने में कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर वो अपना पैसा निवेश करे। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ हुआ है वो प्राइमरीली इसलिए है कि डेवलपर्स फंस गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है और कस्टमर्स का जो पैसा है उसको मोनेटाइज करने का उनके पास कोई ऑप्शन अभी नहीं बचा है। तो जब तक वहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकलता है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो, नोएडा में हो, कुछ गुड़गांव के पार्ट्स में हो, तब तक ये मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण थोड़ी सी वीक ही रहेगी। जी मिस्टर चावला, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं यानी जो प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट नहीं हुए हैं उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, वहीं जो प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट हो चुके हैं वहाँ पर धीरे धीरे सेल्स हो रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें या फिर जितनी भी रिसर्च हुई है हाल फिलहाल में, उसमें ये सामने आया है कि गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा है, यहाँ अभी भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो कि अनसोल्ड हैं ऐसी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेस्टर अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं। वो हमारी मेरी आपके उससे थोड़ी सी सहमति नहीं रहेगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो पेपर पे कंप्लीटेड इन्वेंट्री आप दिखाते हैं और जो एक्चुअल में होती है वो उसमें बहुत फ़र्क है। सो बट यस, इन्वेंट्री को निकलते निकलते थोड़ा भी टाइम लगेगा और जो सेकेंडरी लोकेशंस हैं चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो या कहीं और पर भी हो, वहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो स्लो निकलेगी और जो लोकेशंस बेटर हैं जो क्लोज़र टू सिटी सेंटर हैं वहाँ पे इन्वेंट्री का जो सेल आउट है वो बेटर रहेगा। तो ये तो आपको अगले 12 से 24 महीने आपको दिखेगा कि इन्वेंट्री अब थोड़ी सी मूव करनी शुरू करी है, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो इम्प्रूव करना मुश्किल है, क्योंकि जब आपका जब जनरली पैसा स्टक हो जाता है तो फिर उसके अंदर लोग वापस निवेश करना नहीं आते। जी चलिए मिस्टर चावला, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि इस हफ्ते RBI पॉलिसी है और इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर को हम सीधे रिलेट करते हैं। अब RBI गवर्नर ब्याज दरें पर अपना जो रुख है वो स्टेटस को रखे या फिर बढ़ाए या फिर घटाए, ये सीधे इम्पैक्ट करेगा क्योंकि DLF को, तो जानना ज़रूरी है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं?
देखिए जी, जिसने प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए ख़रीदनी है उसको रेट का कोई, आरबीआई पॉलिसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो मॉर्गेज रेट है वो फ्लोटिंग रेट पे होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है, गवर्नमेंट को या आरबीआई को फोकस करना पड़ेगा जो बैंक्स जिन्होंने लेंड किया हुआ है हाफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में, उनको कंप्लीट कराए। क्योंकि अगर ये एस्टिमेट करते हैं कि 50,000 अपार्टमेंट आज के दिन पूरे एनसीआर के अंदर अनकम्प्लीटेड पड़े हुए हैं, और अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे चलिए जी वो एक करोड़ का एक अपार्टमेंट है, तो आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ रुपया का जो वैल्यू है वो आज के दिन स्टक अप है किसी सिस्टम के अंदर। तो गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कराने हैं, और एक बार वो कंप्लीशन पे पहुंचेंगे तो मार्केट जो है वो डीफ्रीज होगी और फिर वो एक साइकिल में वापस आएगी। बट आज के दिन वो थोड़ा सा जो ये दिखता नज़र नहीं आता इमीडिएटली, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर चावला, आपने समय दिया CNBC आवाज़ को और आपने बताया कि आगे कंपनी की तैयारियां क्या हैं, क्या योजनाएं हैं। DLF अभी हम देखें तो क्योंकि खबर पॉजिटिव है इसलिए सुबह से पॉजिटिव जोन में है, अभी 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। और जैसे कि मिस्टर सौरभ चावला ने बताया भी कि 15,000 करोड़ का जो डेट है वो सीधे रिड्यूस हो जाएगा इस डेवलपमेंट के बाद। मौजूदा कर्ज 28,000 करोड़ का है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक साल बाद ये डेट फ्री हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रिगर होगा DLF के लिए, अभी 228 के स्तर है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे UFO मूवीज़ के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं नोयो कंपनी और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, UFO मूवीज़ के MD हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर कपिल अग्रवाल। और इनफैक्ट UFO मूवीज़ के नतीजे आए थे पिछले हफ्ते, नतीजे काफ़ी ख़राब आए थे और हर पैरामीटर पर, फिर चाहे वो मुनाफा हो, एबिटा हो, मार्जिनस हो या फिर रेवेन्यू हो, सब पैरामीटर्स पर नंबर्स काफ़ी कमज़ोर कंपनी ने पेश किए थे। थोड़ा सा व्यूअर्स को इस कंपनी के बारे में बता देते हैं। UFO मूवीज़ इंडिया में जो डिजिटल सिनेमा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है, और साथ ही साथ इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी जब आप पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में और जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो स्क्रीन कंपनी प्रोवाइड करती है, फिर कहें कि वो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन्हीं पर बातचीत कर लेते हैं मिस्टर अग्रवाल से। मिस्टर अग्रवाल, पहले तो नतीजों ही बताइए, हर पैरामीटर पर नंबर्स कंपनी ने कमज़ोर पोस्ट किए हैं, क्या वजह रही? देखिए, परफॉर्मेंस खाली एक ही जगह पर ख़राब है और उसी का इफेक्ट हर जगह पर नज़र आ रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू इस क्वार्टर में डाउन है और उसकी 2-3 वजह हैं। पहली चीज़ तो पिछले साल जो बेस था, लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ एडवर्टाइजमेंट की बहुत अच्छी थी इस क्वार्टर के अंदर, तो इस साल एक तो बेस हमें बड़ा स्ट्रांग मिला, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। सेकंड, जो कॉरपोरेट हमारा जो कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग है उसमें GST का और डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है, वो सारे मीडिया को फील हो रहा है, पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी एकदम ख़त्म नहीं हुआ है। पर सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो रहा है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कम होना। इस तिमाही में हमने सरकारी एडवर्टाइजिंग में 43% की डीग्रोथ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 5 या 7 साल के अंदर कि सरकारी एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के अंदर इतनी डीग्रोथ है, और उसका इम्पैक्ट हम पे इसलिए ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमारा आधा एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट से आता है, और मीडिया पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस कंपेरेटिवली कम है। तो वो 43% डीग्रोथ, वही रेवेन्यू में डीग्रोथ है 13%, वही एबिटा में डीग्रोथ है, वही PBT में, वही PAT में, तो वही फ्लो कर रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स एकदम ठीक है। यानी मिस्टर अग्रवाल, आप बता रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज हैं वो दो वजह से कमज़ोर रहे हैं आपके। पहला तो ये कि GST की वजह से जो कंपनियाँ जो विज्ञापन पर खर्च करती थी आपके ज़रिए वो कम हुआ है, और दूसरा सरकार की ओर से जो आपको एड्स मिलते थे वहाँ पर कटौती हुई जिसमें 43% की डीग्रोथ आई है, और मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जरिए फेच करते हैं तो इस वजह से दबाव आया है। तो अभी आउटलुक क्या लग रहा है, ये क्या रिवाइव होगी स्थिति या फिर नहीं? एक तो पिछले तिमाही के अंदर जिसके हम रिजल्ट देख रहे हैं उसके अंदर थोड़ा कंटेंट काफ़ी वीक था, तो कॉरपोरेट सेक्टर थोड़ा दूर रहा। दूसरा, बिल्कुल जैसा आपने ठीक कहा, कॉरपोरेट सेक्टर GST का इम्पैक्ट
से अभी भी जूझ रहा है। तो अगर आप देखें बड़ी कॉरपोरेशंस ने तो ये टैकल कर लिया है, परंतु जो हमारे पास करीब 2000 कॉरपोरेट एडवर्टाइजर हैं जो छोटे से छोटे बिजनेस वाले भी हैं, वो अभी भी जीएसटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जबकि जनरली रिपोर्ट ये हो रहा है कि ऑल एडवर्टाइजर्स स्पेंड्स आर अप, बट वो हम देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, प्रोक्टर गैम्बल को, पर हम छोटे एडवर्टाइजर को वो कहीं फोकस में नहीं आता। तो एक तो उसका इम्पैक्ट है और वो वीक था। और सरकारी जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट की बात है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट बजट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, बजट बहुत पड़े हुए हैं, बट थोड़ा बड़ा एक अनयूजुअल सा स्लो डाउन पिछले क्वार्टर में और पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर में हुआ है, पर अब हम देख रहे हैं कि वो इम्पैक्ट खत्म होता नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब उनके ऊपर प्रेशर है कि बजट खत्म करो, नहीं तो अगले साल बजट नहीं मिलेंगे। तो बजट की कोई कमी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि विज्ञापन आय पर जो दबाव दिखा है, उस स्थिति में अब यहाँ से हम सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, जो कॉरपोरेट्स की ओर से खर्चे होते हैं एडवर्टाइजमेंट पर, उसमें एक वजह तो जीएसटी की रही, क्या जो फिल्में जो डिले हुई रिलीज में, उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट आया क्या कॉरपोरेट की ओर से एडवर्टाइजमेंट स्पेंड पर? देखिए, कोई भी बड़ी पिक्चर जब आती है तो उस बड़ी पिक्चर पे बहुत बड़ा एड रेवेन्यू हमारा आता है, कम से कम कॉरपोरेट सेक्टर का। और कोई भी पिक्चर डेफर होती है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमारे उसके ऊपर आता है, क्योंकि एक ही पिक्चर बहुत बड़ा रेवेन्यू देके जाती है। अल्टीमेटली हर क्वार्टर में 3 या 4 बड़ी पिक्चरें आती हैं, उन 3-4 बड़ी पिक्चरों में बहुत एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजर का रेवेन्यू आता है। तो नेचुरली उसके डेफर होने से भी फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत हमारे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर इस क्वार्टर के। बट फर्स्ट हाफ जो Q3 का है वो दबाव में रहा, पर सेकेंड हाफ के अंदर हम थोड़ा सा अपटेक अप देख रहे हैं कि वो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। पर अगेन पिक्चर के डेफर होने से, मूवी के डेफर होने से उसका फिर थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट तो है, बट Q4 मेरे ख्याल से ठीक रहना चाहिए। मिस्टर अग्रवाल, इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ आप बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही जो बड़ी पिक्चर रिलीज होनी थी पद्मावती, वो फिलहाल टल गई है और अभी डेट्स आई भी नहीं है। और जैसे कि आपने खुद कहा कि अगर रिलीज की डेट पोस्टपोन होती है तो रेवेन्यूज पर, यानी एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग पर क्लाइंट्स की ओर से और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। तो आप इस स्थिति पर क्या कहेंगे, बिग बजट मूवी है क्योंकि? बिल्कुल, Q3 हम कम से कम डीग्रो नहीं करेंगे, ग्रोथ होगी। कितनी ग्रोथ होगी ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि दिसंबर का पूरा महीना बाकी है और Q4 के में थोड़े आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। जी, तो जैसे कि बता रहे हैं मिस्टर अग्रवाल की पद्मावती के रिलीज जो डिले हुई है उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में और स्पेशली Q4 में वो रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स बेहतर मिलने की उनको होप्स हैं। और स्टॉक हम देखें तो अभी करीब 458 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया आपका मिस्टर अग्रवाल समय देने के लिए CNBC आवाज़ को, बताने के लिए कि नंबर्स पर दबाव क्यों दिखा और आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए कैसे रह सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो एक बार बाजार का हाल चेक करेंगे।